वीरों की कथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और भारती बॉय। भारत है कल गुलाब जामुन खाने का लालच नहीं किया होता तो शायद आज इतना वजन नहीं बढ़ता। अरे एक दिन गुलाब जामुन खाने से वजन नहीं बढ़ता। अच्छा, रोज खाने से बढ़ता है। ओके, वजन बढ़ गया तो क्या हुआ, देखना। फिर भी इस बार जंगल ओलंपिक्स में मैं मेडल जरूर जीत कर लाऊंगा। 88 92। आउच, मम्मी। जंगल ओलंपिक्स को सिर्फ एक हफ्ता बचा है और तुम इतनी आसानी से सो कैसे सकते हो? तो मुझे कौन सा तुम्हारी तरह जंगल ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है कि मैं कोई प्रैक्टिस करूं? आज तक हमारे खानदान में किसी ने स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया। There is always a first time, बाल्टी बॉय। अगर सभी तुम्हारी तरह सोचते तो आज हमारा भारत आजाद नहीं हुआ होता, ना मंगल पांडे पहली गोली चलाते और ना ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ होता। मंगल पांडे? हाँ, इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फर्स्ट हीरो। तो सुनाओ कहानी। हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया डिस्ट्रिक्ट में जन्मे मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सिपाही थे। 1857 में जब कंपनी के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ बगावत की तो माना जाता है कि सबसे पहली गोली मंगल पांडे ने ही चलाई थी। अब समझ आया 1857 की लड़ाई को अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते थे, क्योंकि उनकी ही फौज में उन्हीं के खिलाफ इंडियन सिपाहियों ने बंदूकें उठा ली थी। पर ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए चलते हैं 19th सेंचुरी के अवध, यानी आज के उत्तर प्रदेश में, जहां 21 साल के मंगल पांडे को अंग्रेजी फौज में नई नई नौकरी मिली थी। न्यू रिक्रूट्स, स्टेप फॉरवर्ड। तुम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही हो, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सिपाही। एक ऐसी फौज जिसके नाम से हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के रूलर्स कांपते हैं। कंपनी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, बदले में तुम्हें सिर्फ एक चीज देनी होगी, वफादारी। वफादारी नहीं, गुलामी। किस गुलामी की बात कर रहे हो मोतीलाल? हर महीने कंपनी तुम्हें तनख्वाह देती है। राम साहेब, 20 साल से सिपाही हम लोग, जान की बाजी लगा दी कंपनी के लिए, बड़ी किसी की तनख्वाह बना कोई अफसर? अफसर ही सिर्फ गोरों के लिए है। खुले हम गद्दारी की बातें, कुछ कीजिए जमादार साहब। जाने दो पलटू, नए रंग रूटों पर गलत असर पड़ेगा जमादार साहब, तुम इनकी बातों में मत आना मंगल। ब्रिटिश सरकार की वफादारी करोगे तो ऐश करोगे, क्यों राम साहब? सही कहा पलटू। पहली ड्यूटी है तुम्हारी मंगल, कैसा लग रहा है? गरीबों से खेत छीनने जा रहा है, मजा आ रहा होगा। सुना है लगान सिर्फ एक किसान ने नहीं दिया तो हम सारे गांव की जमीनें क्यों जब्त कर रहे हैं? महलवारी कानून के तहत गांव या तो पूरा लगान दे या सब लोगों की जमीनें। और अंग्रेजी नहीं आए। सरकार, हमारी जमीनें मत छीनो सरकार। सी बॉयज, बटालियन, तुम्हें बैरकपुर ट्रांसफर कर दिया गया है, जाने की तैयारी करो। भत्ता कब मिलेगा सरकार? कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। बिना पैसों के कैसे जाएंगे बैरकपुर? मत जाओ, छोड़ दो नौकरी। अरे ये तो नाइंसाफी है। मंगल पांडे और उनके साथी बैरकपुर के लिए निकल पड़े। भत्ते के बिना ना उनके पास सवारी के पैसे थे ना खाने के, थकान और भूख से उनका बुरा हाल था। जब अंग्रेज सरकार का अपने सिपाहियों के साथ ही ऐसा सलूक है तो आम लोगों की तो क्या हालत होगी? रास्ते में इन गांव की हालत देख मंगल पांडे का दिल दहल गया और उन्हें अंग्रेजों के अत्याचारों का एहसास होने लगा। कमर तोड़ लगान भरने के लिए किसान अनाज की जगह गन्ने की खेती करने लगे। चारों तरफ गरीबी और भूखमरी फैल गई। कर रहा हूँ मैं अंग्रेजों की नौकरी जो सिर्फ गरीबों और मासूमों का खून चूसना जानती है, क्यों बनूं मैं इस पाप का भागीदार?
क्यों एक हिंदुस्तानी होकर दूसरे हिंदुस्तानी पर मैं बंदूक तानूं? नौकरी के नाम पर ये सिर्फ हमारा शोषण कर रहे हैं, जल्दी कुछ करना होगा। कानपुर से बैरकपुर के सफर ने मंगल पांडे की सोच पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई और बैरकपुर पहुंचते ही उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। चलो साथियों। जब उन्हें अंग्रेज सरकार के मजहब विरोधी नए कारतूस के बारे में पता चला, बहादुर सिंह यहाँ हम सबको क्यों बुलाया? मंगल, नए कारतूस के बारे में सुना? गाय और सुअर की चर्बी से बना है, कारतूस के ढक्कन को दांत से तोड़ना पड़ेगा। कंपनी जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। कंपनी हमारे स्वाभिमान को कुचलना चाहती है। ऐसे मालिक की वफादारी से तो मौत अच्छी। हम मरेंगे नहीं, लड़ेंगे। इनका अहंकार इनका पैसा है। तो फिर राख कर देते हैं दोनों को एक साथ, इनके अहंकार को भी और इनके पैसों को भी। कौन चलेगा मेरे साथ तख्तसाल जलाने? ये हुई ना बात। बुद्धिलाल ने राम सहाय के कहने पर बहादुर सिंह और बुद्धिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक जाओ मंगल, हम सिर्फ सिपाही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहरामपुर से एक बड़ी खबर है, 19वीं बटालियन ने चर्बी वाली कारतूस छूने से मना कर दिया है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं हिम्मत। कल हम भी मना करेंगे, सारी बटालियन एक साथ बगावत करेंगी तो कंपनी को कारतूस बदलनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी ने पूरी बटालियन को नौकरी से निकाल दिया। बुद्धिलाल और बहादुर ने जान की बाजी लगा दी और हम अपनी नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं? लानत है ऐसी नौकरी पर। अंग्रेजों को आज नहीं रोका तो ये हमें इतना जलील करेंगे कि सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी हमारी। अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। बाहर निकलो सब, मैंने कहा बाहर निकलो। मंगल क्या कर रहे हो? अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। सिपाही बनने से पहले किसान थे हम लोग, कहाँ है हमारी जमीनें? आज लुटेरी सरकार की जेब में, लगान के नाम पर गांव के गांव छीन लिए, चारों तरफ भुखमरी की आग लगा दी, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। अब ये हमारे धन पर हमला करना चाहते हैं, हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। कौन चबाना चाहता है चर्बी वाली कारतूस? तो करो बगावत, आज नहीं बोले तो हमारी पुश्ते तक इनकी गुलामी करेंगी। डरना बंद करो इनसे और उठाओ बंदूकें। मंगल अफसर वापस आ जा। See boys, get back inside. मंगल नहीं। जमादार, रोको इसे। See boys, बंदी बना लो इसे। रुक जाओ। पलटू, अंग्रेजों के तल में चाटने वाले, सुनो मुझे। अंग्रेजों की कैद में जाने से तो मर जाना पसंद करूंगा। मेरी मौत को जाया मत होने देना साथियों। मंगल नहीं, रुक जाओ मंगल। वो गोली मंगल पांडे को नहीं मार पाई और वो बच गए। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया। कंपनी सरकार के काफी अत्याचारों के बावजूद मंगल पांडे ने अपने बाकी साथियों का नाम नहीं बताया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बगावत के लिए फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की लगाई हुई चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई और इस बगावत को हम आज भी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया बाल्टी बॉय? मैं भी जंगल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा, अपने खानदान का मंगल पांडे बनूंगा। अच्छा, ये हुई ना बात। गर्व से कहो भारत।